आज हम करेंगे वेट्टियन मूवी का रिव्यू। फिल्म वेट्टियन का मतलब है शिकारी और फिल्म का यह शीर्षक फिल्म के प्रमुख किरदार अथियन रजनीकांत को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अथियन एक कड़क और बेबाक आईपीएस अधिकारी है जिसे लोग वेट्टियन यानी शिकारी के नाम से जानते हैं। उसकी खासियत यह है कि वह अपराधियों को मुठभेड़ों में खत्म करने में विश्वास रखता है और इसे ही सही न्याय मानता है। हालांकि कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जब अथियन एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर बैठता है जिसे वह एक अपराधी समझ बैठा था। इसके बाद उसके अंदर नैतिकता की उथल पुथल शुरू होती है। क्या अथियन अपनी पुरानी कार्यशैली छोड़ देगा या फिर वह फिर से वही रास्ता चुनेगा जिससे उसकी पहचान बनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन न्यायाधीश सत्यदेव का किरदार निभा रहे हैं जो अथियन के बिल्कुल विपरीत है। सत्यदेव न्याय में विश्वास करते हैं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। इन दोनों किरदारों के बीच न्याय और नैतिकता की लड़ाई ही फिल्म की बुनियाद है। फिल्म की शुरुआत जोरदार एक्शन सीक्वेंस और रजनीकांत के परिचित स्टाइल से होती है। पहला आधा घंटा खासकर रजनीकांत के फैंस के लिए तैयार किया गया है जिसमें उनका धमाकेदार एंट्री सीन, कुछ तड़क भड़क वाले डायलॉग और एक डांस नंबर शामिल है। इन शुरुआती दृश्यों के बाद फिल्म तेजी से अपनी मुख्य कहानी की ओर बढ़ती है जहां अथियन एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। पहले हाफ में फिल्म की रफ्तार तेज है और यह पूरी तरह से एक थ्रिलर फिल्म की तरह सामने आती है। रजनीकांत और अन्य सहभिनेताओं के शानदार अभिनय ने इसे और भी रोमांचक बना दिया है। लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और कहानी में गंभीरता बढ़ जाती है। फिल्म का दूसरा हिस्सा कुछ ज्यादा ही नैतिकतावादी और उपदेशात्मक हो जाता है। जहां कहानी को और भी रोचक मोड़ पर ले जाना चाहिए था वहीं यह थोड़ा खिंचाव महसूस कराती है। फिल्म सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाती है, खासकर पुलिस मुठभेड़ों की नैतिकता और उसमें होने वाली गलतियों पर। अथियन के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह फिर से मुठभेड़ों का रास्ता अपनाएगा या अपनी गलतियों से सबक सीखेगा। फिल्म का यह सवाल दर्शकों के दिल और दिमाग में गूंजता रहता है। रजनीकांत अपने स्वैग और दमदार डायलॉग्स के साथ फिल्म के हर हिस्से में छाए रहते हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी दमदार है कि बाकी कलाकारों को कम स्क्रीन टाइम मिलता है। हालांकि फहाद फासिल ने अपनी भूमिका में अलग प्रभाव डाला है। उनका किरदार पैट्रिक बैटरी के रूप में काफी रोचक है जो एक चतुर चोर है और अथियन की मदद करता है। फहाद की कॉमेडी टाइमिंग ने फिल्म के कई सीन्स में जान डाल दी है। अमिताभ बच्चन ने सत्यदेव के किरदार को बेहद संजीदगी से निभाया है लेकिन उनके और रजनीकांत के बीच के सीन्स थोड़े और दमदार हो सकते थे। उनके डायलॉग्स में और गहराई की जरूरत थी जिससे दोनों सुपरस्टार्स का टकराव और भी प्रभावी हो सकता था। मंजू वॉरियर ने रजनीकांत की पत्नी का किरदार निभाया है। उनकी भूमिका हालांकि सीमित है लेकिन फिल्म के अंत में उनका किरदार जोरदार तरीके से सामने आता है। राणा दग्गुबाती फिल्म के अंत में एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आते हैं जो शिक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग करता है। उनका रोल छोटा लेकिन प्रभावी है। फिल्म वेट्टियन सिर्फ एक आम एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि इसमें समाज और सिस्टम पर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। फिल्म पुलिस मुठभेड़ों में होने वाली गलतियों और उनसे प्रभावित लोगों की कहानियों पर रोशनी डालती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मीडिया ट्रायल, राजनीतिक दबाव और जनता की अपेक्षाएं पुलिस अधिकारियों को गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं। फिल्म इस बात पर भी सवाल उठाती है कि अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव कैसे न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता है। यह शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर भी फोकस करती है जहां गरीबों को सजा मिलती है और अमीर सिस्टम का फायदा उठाते हैं। टीजे ज्ञानवेल ने जय भीम जैसी गंभीर फिल्म के बाद वेट्टियन के जरिए एक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि रजनीकांत के स्टारडम के चलते कहानी कहीं कहीं पीछे रह जाती है लेकिन फिर भी फिल्म अपने मुख्य संदेश को स्पष्ट तरीके से पेश करती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध ने तैयार किया है जो कि फिल्म के मूड को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करता है। खासतौर पर एक्शन सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक काफी प्रभावशाली है जो दर्शकों को रोमांचित कर देता है। गाने हालांकि ज्यादा यादगार नहीं है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर ने उनकी कमी को पूरा कर दिया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है और कई जगहों पर कैमरे का उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है। एक्शन सीन की कोरियोग्राफी थोड़ी औसत है, खासकर क्लाइमेक्स के समय जहां रजनीकांत और राणा दग्गुबाती आमने सामने होते हैं। वेट्टियन एक मनोरंजक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित फिल्म है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि फिल्म का पहला हिस्सा बेहतरीन है लेकिन दूसरे हिस्से में फिल्म की रफ्तार धीमी हो जाती है। रजनीकांत के फैंस के लिए यह फिल्म निश्चित तौर पर एक ट्रीट है लेकिन फिल्म की कहानी और संदेश कहीं कहीं उनके स्टारडम के पीछे दब जाते हैं।
अगर आप रजनीकांत के फैन हैं या फिर आपको सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में पसंद हैं, तो वेट्टियन एक बार जरूर देखने लायक है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।